गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज सुबह। और ये वीडियो किस बारे में है? वेल, ये वीडियो है आप सबके फेवरेट फ़ोन सैमसंग M51 के बारे में और रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी के कुछ मेरे पास टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को जानने थे, जो कि ये वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, M51 से फोटोग्राफी करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पिक्सल 4a वगैरह तो यूज़ कर ही रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं घूम फिर के अपने M51 में वापस ज़रूर आता हूँ। तो रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी क्या होती है? रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी होती है अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट दिख रहा है जिसकी जो है रिफ्लेक्शन ज़मीन में या कहीं वॉल में या कहीं पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी इमेज ओवरऑल क्रिएट कर रही है, उसको हम रिफ्लेक्शन के तरीके से क्लिक कर सकते हैं और उसी चीज़ को हम रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी कहते हैं। तो 4 या 5 मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, स्पेशली अगर आप M51 जैसे एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन से रिफ्लेक्शन शूट करना चाहते हो। तो पहला टिप मेरे पास ये है कि जो रिफ्लेक्शन आपकी जो जहाँ पानी में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज है, पानी के पडल में अगर पड़ रही है तो किस तरीके से वो रिफ्लेक्शन को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक विजुअल जो है आपको विजुअली देखना पड़ेगा कि अगर आपका टॉप जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो वो मेन सब्जेक्ट पानी के पडल में अगर वो पड़ रहा है तो कितना जो है रिफ्लेक्शन आप कैप्चर करते हो। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना रिफ्लेक्शन कैप्चर करते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा बिल्डिंग जो है मैं कैप्चर करता, बट एक पार्ट जो है बिल्डिंग का कैप्चर हुआ है जिसकी वजह से बाकी जो रोड है वो रियलिटी जिसको हम कहते हैं वो दिख रही है, जो कि हमको रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन है और जो रोड का ये सरफेस है, ये दोनों जो चीज़ें मिक्स होके एक जो है फील आ रही है, वो फील की वजह से मुझे लगता है कि ये इमेज काम करती है। तो आपको देखना है पहली चीज़ कि आप कितना जो है इमेज रियलिटी में और रिफ्लेक्शन में कैप्चर कर रहे हो, उसका बैलेंस आपको बनाना ज़रूरी है। दूसरा टिप, सैमसंग M51 का नाइट मोड आप यूज़ कर लीजिएगा अगर आप रात को या लो लाइट में शूट कर रहे हो। नाइट मोड क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने कहा है सैमसंग M51 का जो नाइट मोड है वो वन ऑफ द बेस्ट है, और नाइट मोड में आपको डिटेल्स जो हैं बहुत खिल के आएंगी, कॉन्ट्रास्ट हो, कलर हो, सैचुरेशन तक जो हो वो भी बहुत खिल के आएंगी, जो कि हमें रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी में काफ़ी ज़रूरी होता है। बिकॉज जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की डिटेल्स हमेशा आप देखोगे कम होती हैं। अब उस रिफ्लेक्शन के डिटेल को पकड़ने के लिए हम अगर लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो हम इसका नाइट मोड यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिफ्लेक्शंस दे देगा। तीसरा टिप मेरे पास बहुत ही सिंपल एक टिप है कि आप जो है अपना एंगल ऑफ शूटिंग चेंज करिए। हमेशा आप खड़े होके आई लेवल से अगर आप शूट करोगे तो आपकी इमेज जो है बहुत ही बोरिंग और बहुत ही नॉर्मल आएगी। आपको करना क्या है, आपको जाना है लो एंगल, आपको जाना है हाई एंगल, आपको थोड़ा सा जो है डिफरेंट एंगल से आपके रिफ्लेक्शंस को शूट करने हैं, सो दैट वन आपका रिफ्लेक्शन जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर हो। बिकॉज याद रखिएगा दोस्तों, आपका रिफ्लेक्शन इज़ योर मेन सब्जेक्ट, और जिस चीज़ का रिफ्लेक्शन आप क्लिक कर रहे हो वो कहीं ना कहीं हमको सेकेंडरी हो जाता है जब आप रिफ्लेक्शन क्लिक कर रहे हो। पानी के पडल में या वॉल में रिफ्लेक्शन पड़ रही है या ग्लास में रिफ्लेक्शन पड़ रही है आपके सब्जेक्ट की, तो आपको उस हिसाब से अपना जो है एंगल ऑफ शूटिंग चेंज करना है। हमेशा खड़े होके या एक पर्टिकुलर एंगल से ना क्लिक करके आपको अपना जो है थिंकिंग स्टाइल, आपका जो विजन है वो चेंज करना है यार। बिकॉज आपके हाथ में इतना बेहतरीन एक डिवाइस है जिसका कैमरा इज सुपर्ब, ऑल यू नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग एंड चेंजिंग ऑफ द एंगल दैट यू शूट फ्रॉम। अगला टिप है, जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको करना है एलिमिनेट। तो आपको हमेशा देखना है व्यू फाइंडर ऑन करके M51 का, कि कोई भी सब्जेक्ट अगर है रिफ्लेक्शन में शूट कर रहा हूँ तो वो किस तरीके का जो है लग रहा है, और आसपास मेरे सब्जेक्ट के क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मैं हटा सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, मेरा जो रिफ्लेक्शन है वो बेहतरीन तरीके से कैप्चर हो। याद आपको ये रखना है, जब भी आप कैमरा ऑन करके किसी भी सब्जेक्ट को देख रहे हो, रिफ्लेक्शन को देख रहे हो और रियल सब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आसपास आपके क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं
वो किस हद तक आप हटा सकते हो वो आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स 64 मेगापिक्सल में अगर आप शूट कर रहे हो, जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है, शूट करने के बाद आप क्रॉप भी कर सकते हो, बट मैंने हमेशा ये माना है और आप लोगों से भी हमेशा ये दरख्वास्त की है कि पोस्ट प्रोडक्शन में इतना भरोसा ना करके जो आप एक्चुअल में शूट कर रहे हो कैमरा में उसमें भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। बिकॉज अगर आप शूट ही कर रहे हो ये सोच के कि यार ये तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन में हटा दूंगा या मैं पोस्ट प्रोडक्शन में इस चीज़ को क्रॉप कर दूंगा, तो आप एक बेहतर फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। आपको सोचना है कि जब आप क्रिएट कर रहे हो वो पिक्चर, तब आप किस तरीके से क्रिएट करो, सो दैट आप जब पोस्ट प्रोडक्शन में स्नैपसीड में या एडोबी लाइटरूम में एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ को ले जाएं, तो आपको सोचना है कि इस फोटोग्राफ को मैं थोड़ा सा और जो है एनहैंस किस तरीके से कर सकता हूँ, ना कि आपको शूट करते हुए सोचना है कि यार ये जो चीज़ें हैं मैं क्रॉप कर दूंगा पोस्ट प्रोडक्शन में, या एक जो सब्जेक्ट में गड़बड़ एलिमिनेशन जो है, एक डिस्ट्रैक्शन आ रही है, उसको मैं हटा दूंगा पोस्ट प्रोडक्शन में। उस तरीके से सोच के अगर आप अपने M51 से क्रिएट करोगे पिक्चर, तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनने से चूक जाओगे। तो आपको जो है सब्जेक्ट के आसपास क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आपको दिख रही हैं, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट से आपकी आंखों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो डिस्ट्रैक्शंस आपको एलिमिनेट करना है। अगला है टिप मेरे पास, पिछले टिप को रिलेट करते हुए, एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे। एलिमिनेट इस तरीके से करेंगे, आपको अपने सब्जेक्ट के करीब जाना है, जितना करीब आप हो सकते हो एक सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के, आपके करीब जाके आपको शूट करना है, जिससे कि आपका सब्जेक्ट मेन रिफ्लेक्शन जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट बन जाए, और इसके अलावा जैसा मैंने कहा जो आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हट जाए। तो आपको अपने एंगल तो चेंज करने ही है, बट आपके सब्जेक्ट के आपको करीब जाके आपके M51 से बढ़िया तरीके से आपको जो है अपनी फोटोग्राफी करनी है रिफ्लेक्शन की। और लास्ट जो मेरे पास आपके लिए टिप एंड ट्रिक्स है वो ये है कि आपको हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी है, और जहां हो सके आपके फ़ोन को रेडी रखना है टू शूट अ रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है, कई बार फॉर एग्जांपल पानी के पडल में कोई रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, सिर्फ वो रिफ्लेक्शन अगर आप शूट करें, या कहीं भी मिरर में आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, सिर्फ वो रिफ्लेक्शन आप शूट करें तो शायद मज़ा ना आए। तो आपको हमेशा आंखें खुली रखनी है कि उस रिफ्लेक्शन में भी किस तरीके की सिमेट्री बन रही है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट उस रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको दिख रहा है जो कि आपके फाइनल इमेज में हेल्प करे। तो फ़ोन का कैमरा जो है हमेशा आपको हैंडी रखना है। मैं हमेशा यहाँ पे नीचे की तरफ मेन स्क्रीन में जो है कैमरा अपना हमेशा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो कि जब भी अचानक से मुझे अगर कोई रिफ्लेक्शन दिखी, तो मेरे को कैमरा यूज़ करने में या कैमरा को ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं करना है। तो रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट योर सेंस ऑफ माइंड, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ऑल्सो रिफ्लेक्शन में आपको क्या दिखाना है। याद रखिएगा कि एक दो फोटोज मत लीजिएगा, आप 10 फोटो 20 फोटो लीजिए। बाद में आप ऑफकोर्स उन फोटोज में से चूज कर सकते हो कि बेहतरीन फोटो, सबसे बेस्ट फोटो कौन सी आई है, और इस हिसाब से आप उस बेस्ट फोटो को रख सकते हो, बाकियों को आप डिलीट कर सकते हो अगर चाहो तो। तो लो जाना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस हटानी है, तीसरी चीज पास जाना है अपने सब्जेक्ट के, नाइट फोटो में, नाइट मोड में आपको फोटोज लेनी है, और कान आंखें और नजरें हमेशा खुली रखनी है, कैमरा M51 का हमेशा आपको रेडी रखना है, सो दैट यू कैन शूट रिफ्लेक्शंस। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों रिफ्लेक्शंस शूट करना, जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए, और आपको नजरें आपकी जो है तेज होनी चाहिए, आपका एक आई जिसको कहते हैं ना फोटोग्राफी आई, वो डेवलप करना है, सो दैट यू नो देखते ही कि यार ये तो रिफ्लेक्शन है और मेरे M51 से बहुत बढ़िया तरीके से ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कुछ टिप्स थे फटाफट, और रिफ्लेक्शन अगर आप शूट करते हो M51 से स्पेशली, तो ज़रूर मेरे साथ उस फोटोज़ की लिंक शेयर करना या बताना कि आपको कैसा लगा रिफ्लेक्शंस शूट करके बेहतरीन एक जो फ़ोन है M51 उसके कैमरा से। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर समाप्त। थम्स अप एक छोड़ के ज़रूर जाइएगा, बिकॉज M51 का कैमरा यार बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको लगता है M51 का कैमरा इज़ गुड, उसी बात पे एक थम्स अप छोड़ दीजिए, और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर देखिए और इस्तेमाल कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, टिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा एंड कीप क्लिकिंग। नमस्कार।